हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एम कैफीन के नेकेड एंड रो कॉफ़ी फेस स्क्रब का, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पता चल जाए कि ये फेस स्क्रब कैसा है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये है एम कैफीन का नेकेड एंड रो कॉफ़ी फेस स्क्रब, कॉफ़ी विद विटामिन ई। ये नॉर्मल से ऑयली स्किन के लिए है और इसकी जो क्वांटिटी है 20 ग्राम का पैक मेरे पास है। ये एक बेसिकली ट्रायल पैक मैंने लिया था। तो ये ऐसे ट्यूब फॉर्म में आता है और इसकी रोटेटिंग कैप है, आप इसको रोटेट करके इजीली प्रोडक्ट को निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी सॉलिड आती है और इसकी बैक साइड पर इसकी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। बाकी इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि ये प्योर अरेबिका कॉफ़ी से बना है और विटामिन ई के एसेंशियल्स हैं इसमें। बाकी ये प्रोडक्ट SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है और इसमें बहुत ही अच्छे स्किन परफेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये क्रुएल्टी फ्री है और ये 100% वीगन भी है और इसकी शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स, यानी 2 साल तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर सारी डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई हैं कि आपको इस फेस स्क्रब को कैसे यूज़ करना है और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में से आप चेक कर लेना, अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जिक इशू है तो इसको यूज़ मत करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो फ्रेग्रेंस इसकी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, चॉकलेटी सी कॉफ़ी का मिक्सचर स्मेल है, कोकोआ वाली। और ये ऊपर से ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल सील्ड आता है फॉयल रैप से, तो जिसे आपको पता भी चल जाए कि प्रोडक्ट यूज्ड है या अनयूज्ड है। इसका आपको पी साइज अमाउंट लेना है पूरे फेस के लिए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसका ऐसा थोड़ा ब्राउनिश चॉकलेटिश कलर और है। इसमें जो ये बीट्स हैं, जो ग्रैनुअल्स हैं, ये मुझे पर्सनली थोड़े से हार्श लगे फेस पर। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ही जेंटली इसको यूज़ करना पड़ता है, वरना ये फेस पर बहुत चुभते हैं जितने इसके पार्टिकल्स हैं। तो बहुत ही लाइट हैंडली इसको यूज़ करना है और 3 से 4 मिनट की इसकी मसाज आपको करनी है फेस पर। बहुत ही अच्छे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है, स्किन पर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको रिमूव कर देगा, लेकिन जो ब्लैक हेड्स हैं वो ऐसे ही एकदम से एक बार में रिमूव नहीं होंगे। आपको इसको कंटिन्यूटी में बहुत टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा और अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो साथ में ब्लैक हेड पिन का भी यूज़ करना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। और इसको यूज़ करने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होती है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल रहती है, जो कि इसका बहुत ही अच्छा पार्ट मुझे लगा, वरना कई फेस स्क्रब से स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल सही लगी, बहुत ही अच्छी स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसका जो एक और वेरिएंट है जिसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये टैन को भी बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है और इसको यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग लगती है। और इसको पानी लगा के यूज़ करना है, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना, वरना बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा ये प्रोडक्ट फेस पर। और इसके बाद आप फेस पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या नरिशिंग जेल लगा लो जिससे कि स्किन अच्छे से हाइड्रेट। और आइज़ पर इसको अवॉइड ही करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसके पार्टिकल्स काफ़ी हार्श हैं तो वो आई बॉल्स पर बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसका जो 100 ग्राम का पैक आता है वो 350 रुपये का है। ओवरऑल मुझे ये फेस स्क्रब बहुत ही अच्छा लगा, चाहो तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। इसको परचेज करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। तो ये था मेरा आज का एम कैफीन के फेस स्क्रब का रिव्यू। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।